काफी समय पहले की बात है, एक गांव में ईशा और निशा दो बहनें रहती थी। उनकी बीमार माँ भी उनके साथ में रहती थी। ईशा अपनी माँ का ध्यान रखती थी, समय पर दवाई देनी, खाना देना और सब चीजों का भी ईशा ही ध्यान रखती थी। जबकि निशा हमेशा फैशन में रहती थी, वो अपनी माँ की तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी, ना ही किसी चीज में उनकी मदद करती थी। माँ चारपाई में पड़ चुकी थी, बुरी तरह से बीमार थी। एक दिन की बात है, ईशा घर के कुछ काम कर रही थी तो उसने निशा को कहा, सुन निशा, माँ के दवाई का समय हो गया है, जाकर उनको दवाई दे दे। निशा वहाँ से चली गई। अच्छा, जैसे सारी फिक्र इसे ही है माँ की, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं, हर समय मुझ पर रोब चलाती रहती है। लेकिन अब मैं भी इसे नहीं पूछूंगी कि कौन सी दवाई माँ को देनी है, क्योंकि मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए निशा ने एक लाल रंग की दवाई उठाई और माँ को जाके दे दी। माँ ने दवाई खा ली। दवाई खाने के कुछ देर बाद ही माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। अरे आह, मेरे सांस रुक रहा है बेटा, मुझे क्या हो रहा है? इधर से ईशा भागी आई। माँ क्या हो गया आपको, कैसे तबीयत खराब हो गई आपकी? माँ माँ बताओ ना। पता नहीं बहन, मैंने तो माँ को ये दवाई दी थी, पता नहीं दवाई खाने के बाद माँ को क्या हो गया। अरे निशा, तूने ये क्या कर दिया, ये माँ की दवाई नहीं थी, तूने तो माँ को गलत दवाई दे दी। पता नहीं, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया, मैंने तो माँ को दवाई दी थी, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे निशा, तूने ये क्या कर दिया माँ को। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी बीमार चल रही थी, अब मेरा मरने का समय आ गया है, तुम आपस में मत लड़ो बेटा, तुम आपस में मत लड़ो। माँ ने ऐसे कहते हुए दोनों बहनों की लड़ाई बंद करवाई और अपने सिरहाने से एक बॉक्स निकाला और अपनी बेटियों को देते हुए कहा, लो बेटा, मेरा तो आखिरी समय आ गया है, ये मैंने आखिरी समय के लिए ही संभाल कर रखा था। और उस बॉक्स को देते हुए माँ वहीं पर मर गई। अब ईशा और निशा के पास वो बॉक्स था, उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर दो पोटली थी और एक लेटर। तभी ईशा ने उस लेटर को पढ़ा जिसमें माँ ने लिखा था, बेटा ये मैं तुम्हारे लिए ही छोड़कर जा रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है, इन दोनों पोटलियों में चार चार हीरे हैं, ये मैं जानती हूँ तुम इससे जिंदगी नहीं काट सकती, लेकिन ये हीरे तुम्हारी जिंदगी बसाने में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम ये हीरे लेकर शहर की ओर चली जाओ, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और जो लड़का तुमसे शादी करना चाहे, तुम्हें पसंद कर ले, तुम उसको एक हीरा दे देना और कहना कि तुम इसके चार हीरे कर लेकर आओ, ठीक है, तुम दोनों को ऐसा ही करना है। उसके बाद में दोनों बहनों ने एक एक पोटली ली और माँ के कहे अनुसार शहर की तरफ निकल पड़ी। ईशा को रास्ते में मुकेश नाम का एक लड़का मिला जिसने कहा, प्रिय तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, ये लो ये एक हीरा लो और जब तुम इसके चार हीरे बना लो तो इस पते पर आ जाना। ऐसा कहते हुए ईशा और निशा दोनों आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे ही निशा को भी एक लड़का और मिलता है, विशाल नाम का। निशा से वो भी यही कहता है, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन तब जब तुम इस एक हीरे के चार हीरे कर लेकर आओगे, ये लो हीरा, जब तुम इसके चार हीरे कर लाओ तो मेरे इस पते पर आ जाना। ऐसा कहते हुए दोनों बहनों ने अपने चार चार हीरे अलग अलग चार चार लड़कों को देते हुए वहां से वापस आ गई। अरे बहन, वो जो दूसरे नंबर वाला था ना, वो कितना सुंदर था, अगर माँ के हीरो वाला चक्कर ना होता
तो मैं तो उससे तभी शादी कर लेती। अरे निशा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। माँ अगर कुछ कह के गई हैं तो कुछ सोच के ही कह के गई होंगी। क्या पता वही लड़का तेरी जिंदगी में आ जाए। हाँ, ये बात तो ठीक है। दोनों बहनें अब लड़कों के वापस आने का इंतजार कर रही थी, पर 6 महीने बीत गए और कोई भी लड़का वापस नहीं आया। अब दोनों बहनों को चिंता होने लगी। ईशा, मैं कहती थी ना, देखो जो हीरे हमारे पास थे वो भी हमने दे दिए और लड़के भी हमारे हाथ से चले गए। अब हमारी शादी कैसे होगी? तभी एक लड़का बाहर से आता है और कहता है, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ईशा है। ये लो, तुमने जो मुझे हीरा दिया था उससे मैंने 4 हीरे बना लिए। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ईशा काफी खुश होती है और ईशा मुकेश से शादी कर लेती है। अब निशा रह जाती है। बहन देखो, तुम्हारी भी शादी हो गई और मेरे वाला तो कोई वापस भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी होगी भी। और ऐसे ही करके 3 महीने और बीत जाते हैं। अब तो उनकी उम्मीद और भी ज्यादा टूटने लगी थी। पर तभी एक लड़का एक बड़ी सी गाड़ी में उनके घर के सामने आता है और आकर कहता है, हे प्रेयसी, देखो जो तुमने मुझे हीरा दिया था उस हीरे को मैंने अपने व्यवसाय में लगाया और बहुत सारा धन कमा लिया। अब मेरे पास बहुत पैसा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो और मुझे अपना जीवन साथी चुनो। बिल्कुल, मैं तो तुम्हें उसी दिन से पसंद करती हूँ जिस दिन तुमको मैंने वहाँ पर देखा था। मैं ही चाहती थी कि तुम ही हीरे लेकर आओ। वैसे तुम एक बात बताओ, ये शादी के लिए हीरों की तरकीब भला तुम्हें किसने बताई? ये तरकीब तो हमारी माँ ने हमें बताई थी। इसी की वजह से तो हमें इतने अच्छे जीवन साथी मिले हैं। इसका मतलब हमारी माँ को निवेश की ताकत का पता था। वो जानती थी कि जो इंसान एक हीरे के 4 हीरे बना सकता है वो जिंदगी भर हमें खुश रख सकता है और कभी हमें भूखा नहीं मरने देगा। तो दोस्तों, निवेश की ताकत काफी अच्छी होती है अगर उसे सही दिशा में किया जाए तो। जैसे इन माँ के जादुई हीरो ने काम किया, उसी प्रकार से निवेश भी काम करता है।